हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। गाइस, आज ही हम लोग सीएचएसएल के आंसर की से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे अपने पिछले वीडियो में, और कुछ बच्चों के कमेंट आए कि भाई सीजीएल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, उसके आंसर की का क्या हुआ। तो शायद उसकी आवाज़ एसएससी ने सुन ली और उसने आंसर की अपलोड कर दी है आज अपने वेबसाइट के ऊपर। तो आज ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो, ssc.nic.in पे, वहाँ पर आपको ये पेज दिखेगा। ठीक है, आप आंसर की पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे ये लिंक दी हुई है, यहाँ पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालना है और वहाँ से आप अपना आंसर की देख सकते हो। देखो ऊपर क्या क्या बता रहा है यहाँ पर एसएससी। द कमीशन हैड कंडक्ट कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टायर 2017 फ्रॉम 17 फरवरी 2018 टू 22 फरवरी 2018 एंड री एग्जामिनेशन 9/3/2018 9 तारीख को जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका भी। अब ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव क्यों है ये? क्योंकि इसके ऊपर देखो जो करेक्शन के लिए बच्चे अप्लाई करेंगे, उसके बाद अगर वो क्वेश्चन गलत पाया जाता है कि हाँ एसएससी ने उसका आंसर गलत लिखा है, तो वो उसमें करेक्शन करेगी, और वो करेक्शन करेगी तो फिर थोड़ा सा चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। इसलिए यहाँ पर टेंटेटिव वर्ड यूज़ किया है उन लोगों ने। ठीक है, अब कब कर सकते हो? इफ़ एनी फ्रॉम 13/4/2018 टू 16/4, यानी 16 तारीख चौथे महीने तक आप जो शाम के 6 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको 100 रुपीज़ उसके लिए चार्जेबल रहेंगे। ओके, और उसके बाद करते हो तो नहीं माना जाएगा। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सीजीएल की क्लासेस भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो उसके बारे में डिटेल में आगे बताएंगे हम लोग। अभी वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।